गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, वीडियो तो बहुत बनाया इस चैनल के लिए, लेकिन पहली बार लाइव आपके सामने आ रहा हूँ, तो और वो भी अपडेटेड वर्जन में आ रहा हूँ, है ना, ये डिजिटल बोर्ड और बाकी सब चीज़ें। तो अभी तक आप केवल PPT के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं या फिर वर्ड फाइल के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैं लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड करके तब आपको पढ़ाता था, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मेरे पास पूरा फ्रीडम है कि आपको जैसे चाहूँ वैसे पढ़ा सकता हूँ। पिक्चर्स को डील करेंगे, ग्राफ्स, बार ग्राफ्स और जितने भी चार्ट्स होते हैं वो सब को डिजिटल बोर्ड पर डील करेंगे। तो अपडेटेड वर्जन के साथ आया हूँ, एक स्वागत तो बनता है, तालियां। चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया मजाक, अब आते हैं सीरियस टॉपिक पर। सीरियस टॉपिक ये है कि BPSC 68th का एग्ज़ाम जो कि जनवरी में होने वाला था, क्या जनवरी में होगा? नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो कुछ सवाल हैं जो कि हजारों छात्रों के मन में हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो आइए उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और साथ ही क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, और साथ में कमेंट भी करना है। आपके जो भी सवाल हैं हमारे वीडियोज पर, आपके जो भी प्रतिक्रिया है वो सबको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। जो भी आपका सवाल होगा उन सब का जवाब मैं दूंगा, और हर कमेंट को एड्रेस करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो चलिए देखते हैं आखिर सवाल क्या है। सवाल सबसे पहला ये है कि नोटिफिकेशन में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, जब BPSC बोल चुका है कि भैया 8 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा 68th PT का, तो फिर आखिर लेट क्यों हो रहा है नोटिफिकेशन में? तो नोटिफिकेशन का लेट का कारण यही है कि पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं BPSC के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब इन बदलावों पर हम देखते हैं कि आखिर बदलाव क्या हो सकते हैं। तो बदलाव जो होने वाले हैं उनमें क्या हो सकता है कि अब आपका जो पहले 150 नंबर का हुआ करता था BPSC PT, वो अब हो जाएगा 200 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर का हो जाएगा। पहले सवाल कितने हुआ करते थे, 150 सवाल हुआ करते थे, है ना, और 150 नंबर भी आपको मिला करते थे। अब क्या होगा, सवाल तो 150 ही रहेंगे लेकिन नंबर कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। ऐसा क्यों होगा बताता हूं मैं। तो अब क्या होगा कि 100 क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है, एक एक नंबर के होंगे, और आपके जो 50 सवाल होंगे जो जिनमें स्टार मार्का लगा हुआ होगा वो आपके दो दो नंबर के होंगे, ठीक है, और ये जो 50 सवाल होंगे इन पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो ये बड़े बदलाव करने जा रही है PPSC, जैसा अतुल प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। वैसे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी बदलाव के बारे में यकीन करना सही नहीं है, लेकिन जो संकेत दिए गए हैं उसके हिसाब से यही होने वाला है। अब चूंकि पैटर्न बदला जा रहा है, BPSC अपने आप में आमूलचूल बदलाव ला रही है। आपने देखा है कि 67th PT को लेने का तरीका भी बदला गया है, इस बार धांधली बिल्कुल नहीं हुई है, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत हैं। और BPSC ने अपना पैटर्न जारी कर दिया है, अपना जो प्रोग्राम है उसका 69th PT तक का प्रोग्राम उन्होंने जारी कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर एक मेंस का डेट, इंटरव्यू का डेट, कब रिजल्ट आएगा, ये सारा को 67 से लेकर 68 तक का टोटल उन्होंने बता दिया है। और यदि सब कुछ सही रहा, अगर एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग BPSC चली, तो 68th का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका रिजल्ट के साथ फाइनल हो जाएगा नवंबर दिसंबर 2023 तक। तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अब हमने देखा कि आखिर पैटर्न में क्या चेंज होगा। सबसे पहला कि नंबर जो होगा वो 200 होगा, दूसरा 100 क्वेश्चन जनरल होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टार मार्का होंगे, जिनके दो दो नंबर होंगे और उन पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है और बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम क्या होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी में ही होगा। आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, वो हड़बड़ी में हैं और बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी में ही हो जाए। अब वो 8 जनवरी को होगा या जनवरी के लास्ट में होगा या कब होगा, यह अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। लेकिन अपने तरफ से आपको 8 जनवरी से पहले PT की तैयारी कंप्लीट रखनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है यह मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ,
ठीक है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे, हर जानकारी देते रहेंगे। बीपीएससी 68 से जुड़े हुए जितने भी नोट्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, बुक लिस्ट होंगे, यह सब आपको बताते रहेंगे। और SCS, जी हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए बीपीएससी पीटी का कंप्लीट पैकेज लेकर के आया है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर अभी दिख जाएंगे, अभी जस्ट आपके स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है, कंप्लीट पैकेज है, नोट्स का कंप्लीट पैकेज है, जो कि आप जुड़ सकते हैं उससे। और 2 महीने में तैयारी करने का इससे अच्छा रास्ता कुछ भी नहीं है। 2 महीने में तैयारी कंप्लीट करनी है। जो लोग नए हैं, जिनको बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, वो हमारे नोट्स के जरिए तैयारी कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी जो रणनीति है उसको बना सकते हैं, हमारा कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होता है हमारा। तो इससे जुड़ करके आप सफलता प्राप्त कीजिए, यही उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी रणनीति बदलते पैटर्न के हिसाब से किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप 2 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।